कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से करोड़ों रुपए कीमती सोना बरामद किया। वो युवक राजकोट से सोना लेकर पटना जा रहा था। जीआरपी की टीम ने प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर चल रही जांच के दौरान उसे रोका और तलाशी लेने पर लगभग 4,08,03,672 रुपए का सोने का आभूषण बरामद हुआ। दोपहर में जो है प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9 पर एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि उसके बैग में सोने के गहने हैं। इस संबंध में इनकम टैक्स को सूचना दी गई है और इनकम टैक्स के अधिकारी आ गए हैं और उसे पूछताछ की जा रही है। कितने का ये पूरा सोना? ये सोना 4,08,03,672 रुपए का है। कहाँ से ये माल लेकर आ रहा था? ये राजकोट से ये माल लेकर के आ रहा था और ये पटना के लिए जा रहा था। क्या बताया पूछताछ में इसने, किसका सोना था ये, क्या? इसने बताया कि ये वहाँ पे राजकोट में ये ज्वेलरी ये बनती है और फिर ये 4-5 दुकानें हैं पटना में जिनके यहाँ ये ले जा कर के सप्लाई करते हैं। हाँ, जो इसके पास से कुछ कागजात और एक GPS मिला है, लेकिन कागजात को की जो है तहकीकात इनकम टैक्स द्वारा की जा रही है और उसको वेरीफाई करने के उपरांत जो है इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या मानते हैं इतने बड़े मात्रा का सोना ट्रेनों में लेकर सफ़र करना कितना? ट्रेनों में सफ़र करना इतनी भारी मात्रा में लेकर के कतई सुरक्षित नहीं है और इनके पास कोई ऐसे भी कागजात नहीं थे जिससे कि ये सिद्ध हो कि ये ट्रेन से ले जाना था इनको और इसकी सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम इनके पास नहीं थे। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के अपर परियोजना प्रबंधक मनोज यादव के ठिकाने पर विजिलेंस की वाराणसी सेक्टर की टीम ने छापा मार कर करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान टीम को 9,00,000 रुपए मूल्य के गहने और 1 करोड़ से ज्यादा के निवेश के दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा टीम ने मनोज यादव के टैबलेट और मोबाइल को जब्त कर लिया है जिन्हें जाँच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। भोजोबीर सिंधौरा मार्ग की बदहाल स्थिति से आक्रोशित नागरिकों ने रविवार को प्रदर्शन और चक्का जाम किया। इस दौरान प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया। नडिनाद्याई से लायलपुर स्टेडियम तक इस मार्ग की दुर्दशा पिछले कई महीनों से बनी हुई है जिसको लेकर लोक अदालत ने नगर निगम VDA पर जुर्माना भी लगाया था। इसके बावजूद आज तक सड़क की हालत नहीं बदली, ऐसे में लोग परेशानी झेलने को मजबूर हैं। ये समस्या सालों की है, बरसात में खास तौर से बरसात में तो हर साल यहाँ यही स्थिति होती है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बनारस में फंड की कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार ने तो खजाना का मुंह खोल करके रखा हुआ है और सरकार का ये कहना है कि आप योजना बनाइए, हमें प्रस्तुत करिए, पैसा हम दे रहे हैं। और इतना बड़ा प्रशासन यहाँ रहने के बाद भी बताइए, बनारस को 60,000 करोड़ रुपये मिले हैं जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं बनारस की। 60,000 करोड़ रुपया व्यय होने के बाद भी बनारस की ये स्थिति है जो आप अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है और कोई इसका संज्ञान नहीं ले रहा है, जबकि ये मामला नीचे से ऊपर तक हर अधिकारी, हर मंत्री, हर यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक के संज्ञान में है। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि 3 किलोमीटर की यात्रा को जब कोई बाहर का VIP यहाँ ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में आता है तो इसको 11 किलोमीटर का चक्कर लगवा करके हरहुआ और रिंग रोड से होते हुए ले आते हैं कि ये देखने न पाए कि यहाँ रास्ता क्या हाल है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 घाट पर फावड़ा चलाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी जिससे घाट की सफाई कर उसे चमकदार बना दिया गया था। परंतु 10 साल बाद गंगा में आई बाढ़ के कारण फिर से 80 घाट समेत अन्य घाटों पर मोटी सिल्ट जमा हो गई है। ये सिल्ट घाटों की सुंदरता और त्योहारों के आयोजन के लिए एक बड़ी बाधा बन रही है क्योंकि यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। समिति द्वारा ये 2 पंप अभी चल रहे हैं, तीसरा और लगने वाला है, जिसके कारण क्योंकि यहाँ आरती और यहाँ घाट आश्रम जो नहाने वाले आते हैं दर्शनार्थी, बहुत परेशानी होता है। तो गुरु जी का ये सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम घाट सफाई रखें जिससे अधिक से अधिक यात्री अपने सहूलियत रूपी नहा सके, धो सके, कपड़ा लत्ता बदल सके। नगर निगम द्वारा लगा हुआ था, अब जहाँ भी लगा ये नहीं, मगर यहाँ अभी 80 घाट पर हमारे देखने में इस समय के पर्याप्त के हिसाब से हमें नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ है।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर सोमवार को बड़ी संख्या में छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र कुल सचिव अरुण सिंह को ज्ञापन सौंपने पहुंचे छात्रों को सुरक्षा कर्मियों ने गेट पर ही रोक दिया, जिसके बाद छात्रों ने वहीं पर सभा आयोजित की और अपने विचार व्यक्त किए। सभी यहाँ छात्र संघ के चुनाव और प्रवेश परीक्षा जो पीएचडी कब तक होती थी उसको लेकर के हम लोग यहाँ आज ज्ञापन देने के लिए हम रजिस्ट्रार महोदय को आए थे, लेकिन उन्होंने मीटिंग में व्यस्त होने का कारण बताया हम लोगों का, चूंकि आज से एक औपचारिक हम लोगों ने एक सूचना मतलब एक ज्ञापन के ज्ञापन ही देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा संख्या और इस पर हम लोग चिंता नहीं। बातचीत हुई, बोले हैं कि आपकी मांगे पूरी की जाएंगे, रजिस्ट्रार महोदय से बात करेंगे, वीसी साहब से बात करेंगे, आगे हम लोग योजना बना रहे हैं, बृहद आंदोलन हम लोग करेंगे, क्योंकि ये लोग हमें मालूम है ज्ञापन देने से इतना काम नहीं होने वाला है। आईआईटी छात्रा के साथ दुष्कर्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल 13 छात्रों के खिलाफ निलंबन के मामले में सोमवार को एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी समेत अन्य छात्र संगठनों ने इसके खिलाफ बीएचओ सिंह द्वार पर प्रदर्शन किया। आंदोलन को दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू के छात्रों से भी समर्थन दिया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से निलंबन की कार्रवाई वापस लेने की मांग की है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 13 छात्रों का निष्कासन हुआ, इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन छात्रों का छात्रावास बहाल हो, लाइब्रेरी बहाल हो, क्लासेस बहाल हो, आगे से इस प्रकार कोई भी दुर्घटना हमारे कैंपस में हो, निष्कासन न हो। इसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, बेचू जेएनयू के पदाधिकारी और नागरिक समाज, यहाँ के समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, कांग्रेस के पदाधिकारी, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी जैसे लोग छात्रों को समर्थन देने आए हुए हैं। नीतीश मौर्य हत्याकांड को लेकर अब राजनीतिक माहौल गर्मा गया। मृतक के परिजनों द्वारा एक भाजपा नेता पर हत्या का आरोप लगाने के बाद समाजवादी पार्टी ने भी इस हत्या को गंभीर मामला बताया है। सोमवार को सपा के पूर्व सांसद रामकिशन यादव, जिलाध्यक्ष सुजीत यादव उर्फ लक्कड़ पहलवान और अन्य कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंप कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की। अपने बच्चे के इंसाफ के लिए। अच्छा, क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? मेरे बच्चों को इसी तरीके से हत्या कर दिया कि मुझे कौन है जोशी बोलिए बोलिए। संजय गोड़ आए थे उस समय, 2 दिन पहले संदीप गोड़ ने मारा था मेरे बच्चे को, लेकिन मेरा बच्चा बताया नहीं। जो लड़की भागी हुई मंत्री के काम करती, मंत्री से सागरी संबंध था। मंत्री जी के वो जो अनिल राजभर है उन्हीं के साथ उनका सागरी संबंध था। जो मंत्री है राजभर, जो लड़की भागी है वो ये हुआ है। अब शारदीय नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है। वाराणसी के जैतपुरा में माँ स्कंद माता बागेश्वरी देवी के रूप में विद्यमान है। सैकड़ों वर्षों से ये मंदिर भक्तों के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। सोमवार को भोर से ही माता के दर्शन को भक्तों की कतार लगी है। देर रात तक माता की जय जयकार गूंजती रही। भारत सेवाश्रम संघ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने यति नरसिम्हानंद द्वारा दिए गए बयान के बाद पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव पर भी अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी धर्मों और जातियों के महापुरुषों ने समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जाति धर्म और समुदाय के महापुरुषों ने समाज कल्याण के लिए काम किया है और उनका सम्मान होना आवश्यक है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इसका संरक्षण करने के लिए भी हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। हमारा हिंदू धर्म किसी का अहित नहीं चाहता, वो स्पष्ट कहता है इसका परमो धर्म, लेकिन ये भी जोड़ता है धर्म हिंसा प्रतिरोध चार, यानी अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अगर राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, निर्दोष लोगों को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े तो धर्म सम्मत मान्य है और यह आह्वान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहर में चल रही कई विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भारत सेवाश्रम संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहाँ उन्होंने महिलाओं को सिलाई मशीनें बांटी और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। सीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर बाबा का आशीर्वाद भी लिया।